भी इतने मज़े का रमज़ान में दही बड़े का मसाला बनाना सीखना है तो आपको हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखनी होगी, ताकि आप रमज़ान में झटपट मज़ेदार दही बड़े बना सकें तो आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी होगी और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है कुकिंग विद गुरनास यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुरनास यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम दाल स्पेशल में हम आपको दही बड़े का मसाला बनाने सिखा रहे हैं, जिसके इंग्रेडिएंट हैं देखिए इसमें हमें चार मसाले चाहिए, जिसमें हमने लिए बेर वाली मिर्चें, ये हमने 10 से 12 बेर वाली मिर्चें ली हैं, और हमने वाइट ज़ीरा लिया, ये वाइट ज़ीरा हमने एक खाने का चम्मच लिया है, और उसके बाद हमें चाहिए धनिया, ये हमने एक ये भी हमने डेढ़ खाने का चम्मच लिया है साबुत धनिया, और हमें काली मिर्ची चाहिए, ये हमने एक चाय का चम्मच लिया है। इस सब मसालों को हम रोस्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको पीसेंगे। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री। देखिए हमारा फ्राई पैन जो है वो गर्म हो चुका है, उसमें डाल देंगे सबसे पहले साबुत धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसालों को हम अलग अलग रोस्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा करेंगे, जलाएंगे नहीं कि बस जो खुशबू आए, जले ना। ये देखिए हमारा जो पैन था वो गर्म था, तो इसकी हमें धनिया की खुशबू आना शुरू हो गई है, इसको हम उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको उतार के हम सबको एक एक बर्तन में जमा करते निकाल लिया, डाल देंगे इसमें ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरे को भी हम थोड़ा ही करेंगे, जलाएंगे नहीं, थोड़ा ही रोस्ट करेंगे, अगर इसकी भी खुशबू आए। देखिए ज़ीरे की भी खुशबू आ गई और आपको दिख रहा है कि ये उछल के शुरू हो गया, इसकी भी खुशबू आ गई, इसको भी अब हम निकाल लेंगे। ज़ीरे हमने इसको भी निकाल लिया। देखिए इसमें हम अब डाल लेंगे काली मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डाल लेंगे, इसी के अंदर ही हम डाल देंगे बेर वाली मिर्चें। देखिए हमने दो मसाले जो धनिया और जो ज़ीरा वो हमने अलग अलग करा है, ये मिर्चों को हम सिर्फ साफ करेंगे। देखिए दही बड़े का जो मसाला आपको हमने बताया था वो रोस्ट कर लिया था हमने, अब वो ठंडा हो चुका है तो इसको अब हम पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कटोरी में ढाल देंगे और इसको पीस लेंगे जार में ढाल के। अब ठंडा करके पीसिएगा, गर्म गर्म नहीं पीसिएगा, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको पीस लेंगे, फिर दिखाएंगे आपको पीसने के बाद। ये देखिए दही बड़े का मसाला जो हमारा तैयार हो चुका है, देखिए हमने बारीक पीस लिया इसको, ये ऐसा ही दरदरा सा, अब इसको हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू माशाल्लाह से अभी से आ रही है, जैसे आप अभी दही बड़े बना रहे हैं ऐसी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इसको हमने निकाल लिया, इसको हम जार में डाल लेंगे। देखिए आज हमने आपको दही बड़ों का मसाला बनाना सिखाया, जो चार चीज़ों से बना है, डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है, और आप इसे बनाएंगे तो आपके दही बड़े बहुत मज़े के बनेंगे। इसमें हमने नमक नहीं डाला है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला भी अपने टेस्ट के हिसाब से दही बड़ों में डाल सकते हैं, आप दही बड़ों में भी डाल सकते हैं, चने की जो चाट होती है वो भी डाल सकते हैं, मीठे दही बड़ों में भी आप इसको डाल सकते हैं। बहुत अच्छा मसाला बना है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप देखिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये पूरा रमज़ान आप इस तरह बना के जार में रख सकते हैं, एयर टाइट जो जार होता है उसमें रख सकते हैं। आप इसको ऐसी वाली जगह पे नहीं रखिएगा और नमी वाली जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, उसमें गीला हाथ भी नहीं डालिएगा, तो आपका जो मसाला है वो एक महीने तक चल सकता है आराम से, क्योंकि रमज़ान में दही बड़े वगैरह लाजमी बनते हैं, तो आप मसाला पहले ही बना के रख दें, ताकि जो आपका रोज़ा में है जल्दी जल्दी काम हो जाए और जो दही बड़े हैं वो जल्दी से तैयार हो जाए मस्जिद था। देखिए अगर आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई हो, दही बड़े का मसाला जो हमने आपको बनाना सिखाया, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हम रमज़ान में अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाएं वो आपको मिल सके।